बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 1। दिस इज आवर लेसन नंबर 7 फ्रॉम यूनिट नंबर 4। तो टीचर्स, ये आप लोगों के लिए लेसन प्लान है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा SLO है, उसको देखते हैं। रिकॉग्नाइज मनी चेंज अप टू 100 टू इट्स इक्विवेलेंट डिनोमिनेशन। हमने देखना है कि किस तरह हम लोग जो है गिवन अमाउंट को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इन आर प्रीवियस ग्रेड वी हैव द प्रीवियस ग्रेड इज ECC ग्रेड्स, वी हैव डन द रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड फेमिलियर विद द टर्म मनी एंड चेंज। सो अब आ जाए एक्टिविटी की तरफ। टीचर जो है क्लास में इस एक्टिविटी के अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म करवा सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मार्केट में जाते हैं और वहां पर कुछ चीजें देखते हैं। जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो वहां पर आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो शॉपकीपर को पे कर देते हैं, उसमें से वो कुछ रिटर्न करता है। या समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास एक जो है करेंसी नोट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का है, जबकि आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं और शॉपकीपर से, और वो आपको डिफरेंट डिनोमिनेशन के करेंसी नोट उसके बदले में दे देता है। देखिए जरा, हैव यू एवर वेंट टू द मार्केट विद योर मदर एंड आस्क फॉर चेंज टू द शॉपकीपर? कभी ऐसा हुआ है आप लोग मार्केट में गए हो मदर के साथ या फादर के साथ और वहां पर शॉपकीपर से पूछा हो कि ये मेरे पास जो है एक करेंसी नोट है ग्रेटर अमाउंट का, इसे रख लें और दूसरे जो है मुझे छोटी अमाउंट के जो करेंसी नोट्स हैं वो एक्सचेंज कर दें? या ऐसा हुआ हो कि आप लोगों ने मार्केट में गए हो और डिफरेंट आइटम्स या आर्टिकल बाय किए और उनके जो टोटल प्राइस है वो कम थी, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज थी 2 और 3 आइटम्स की, और जबकि आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज दे दिया, तो उस वक्त उन्होंने शॉपकीपर ने आपको रिटर्न किया हो, जैसा कि ये मेरे पास 2 आइटम्स है और इसकी प्राइस 100 है और इसकी 500 है, मैंने सपोज कर लिया तो, और इसमें जो टोटल बिल बनता है इन दोनों आइटम्स का तो वो बनता है 600, जबकि मैं शॉपकीपर को 1000 पे कर देता हूं, तो वो मुझे कितना बैक रिटर्न करेगा? कितना? 400 बैक रिटर्न करेगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है हमें फेस करना पड़ती हैं और उनको देखते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चल के आगे देखते हैं। अब देखें कंपेयरिंग मनी, ये हमारा टॉपिक है मेन। ये इस प्रॉब्लम को रीड करें, ये आपकी बुक में है। द बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड शो मनी एंड बॉक्स ऑन द राइट साइड शो थिंग्स विद प्राइस, काउंट द मनी एंड टेल वेदर द थिंग्स कैन बी परचेज्ड आर नॉट। आप अपनी बुक को ओपन करें और उसके ऊपर इस एग्जाम्पल को देखें कि एक बॉक्स जो है लेफ्ट साइड पे वहां पर टोटल अमाउंट है और दूसरी साइड पे पेन की प्राइस है। आपने देख ऑब्जर्व करना है और चेक करना है, सॉल्व करना है कि आप इस अमाउंट से ये चीज पेन जो है वो बाय कर सकते हैं या नहीं। देखें एक टोटल अमाउंट बॉक्स में कितनी है, 29 रुपीज। देखें 20 और 25, 5 को ऐड किया तो 25 प्लस 2, 27 और 2 कॉइन 1 रुपी के, सो 29। सो टोटल अमाउंट 29 है और पेन की प्राइस कितनी है, 25। सो यू कैन बाय इट बिकॉज जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स्ट्रा मनी जो है ₹4 है। अब आ जाए नेक्स्ट ग्रुप टास्क की तरफ। तो टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें या अरेंज कर लें और उसके बाद ये जो टास्क शीट है वो दे दें। पार्ट बी देखें पिछली एग्जाम्पल का, हर ग्रुप ने इसे कंप्लीट करना है। ऑब्जर्व करें
एक बॉक्स में जो प्राइस है वो कार की टॉय कार उसकी 99 रुपीज है, और इस बॉक्स में प्राइस जो वो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो रुपीज 90 है। क्या कार जो है वो बाय की जा सकती है? हर ग्रुप जो है इस वर्कशीट को जो आपकी बुक में गिवन है इसे खुद सॉल्व करेगा, और करने के बाद इसे टीचर को सबमिट करवा दें। सो कार की प्राइस 99 और जो अमाउंट गिवन है वो 90 है, मोर अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है? 9 रुपीज। सो हर ग्रुप ने इसे कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाए इंडिविजुअल टास्क की तरफ। इंडिविजुअल टास्क में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज ऑफ रुपीज 100। इनको ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या आप इन दोनों बॉक्सेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इक्वल है या नहीं है। देखें, और इनमें से अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेशन है यहां पर, और फिर आपने बताना है कि 100 के साथ किसको चेंज कर सकते हैं बॉक्स को। ये कितने नोट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 100 रुपीज है, और इसमें कितने हैं? 1, 2, 40, 45 और प्लस 5 ये 50 है। क्या चेंज कर सकते हैं इसको? नहीं। सो दिस कैन नॉट बी चेंज एंड दिस कैन बी चेंज। हर स्टूडेंट ने इसे खुद जो है वो सॉल्व करना है। अब आ जाए रैप अप की तरफ। हमारा जो आज का SLO था वो ये था, मनी चेंज अप टू 100 टू इट्स इक्विवेलेंट डिनोमिनेशन, और इसको हम लोग मनी को किस तरह चेंज कर सकते थे, या फिर हम हमारे पास किसी आर्टिकल की प्राइस गिवन थी और क्या जो हमारे पास जो गिवन अमाउंट है उससे हम लोग वो बाय कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सो अब आ जाए इस तरह इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखा। होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये होम एक्टिविटी है, इसको सॉल्व करेंगे। काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स इफ यू हैव रुपीज 75, हाउ मच मनी इज लेस देन रुपीज 100 रुपीज। आपके पास 45 रुपीज है और ये 100 से कितने लेस है? क्या ये इनको 100 के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये चीजें आपने बतानी है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें और करने के बाद अपने टीचर को चेक करवाएं, ये आपके बुक में गिवन है। अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। एक्स्ट्रा वर्कशीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करें और इसको प्रिंट आउट लेने के बाद कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट कर दें। इफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रुपीज 75, कैन यू गेट द ऑब्जेक्ट इन इक्वल एंड एक्सचेंज ऑफ द गिवन अमाउंट। आपके पास ये गिवन अमाउंट है और इसकी कॉस्ट कितनी है? 75। क्या इतनी अमाउंट से ये आप बाय कर सकते हैं? आपके पास अमाउंट 90 रुपीज है और इससे इस अमाउंट से आप ये बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट 75 है जबकि आपके पास 90 रुपीज है, आपके पास 15 रुपीज ज्यादा है, सो यू कैन बाय इट। सिमिलरली आपने इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल सराउंडिंग से कर लेनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और फिर अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप के आप लोगों को आज के SLO की समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।